जय गुरुदेव बच्चों, आज हम हिंदी में सीखेंगे चित्र बनाना। इससे पहले हमने दो और तीन वर्णों में शब्द पढ़कर चित्र बनाना सीखा था, तो आज हम चार वर्णों के शब्द पढ़ेंगे और उसका चित्र बनाएंगे। तो बच्चों देखो, आज का हमारा हेडिंग क्या है? आज का हमारा हेडिंग है शब्द पढ़कर चित्र बना। तो आपको शब्द पढ़ना है और उसका चित्र बनाना है। तो पहला शब्द क्या है बच्चों? अजगर। अजगर, अजगर एक सांप है, ठीक है। हम बनाएंगे, सबको कर्व लाइन आती है, कुछ नहीं, आपको कर्व लाइन करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे कर्व लाइन कीजिए जितना आप कर सकते उतना। फिर उसके बाद नीचे से सर्कल करके, गोल करके, और एक बार उसी स्टेप में आपको कर्व लाइन करना है ऐसे, ठीक है। और जॉइंट कर दीजिए और आगे उसको आग बना लीजिए और दो ऐसे स्लैंटिंग लाइन बना दीजिए, क्योंकि वो उसका मुंह हो जाता है। तो ये बन गया हमारा अजगर। अभी दूसरा शब्द पढ़ेंगे बच्चों, पतझड़। पतझड़, जहाँ पे पत्ते गिरते हैं पेड़ के, उनको बोलता है पतझड़। तो कैसे आपको पेड़ बनाना आता है? सिंपल बनाइए, दो स्टैंडिंग लाइन दीजिए और ऐसे कर्व कीजिए ऊपर। पेड़ बनाएंगे पहले हम, ठीक है, और अंदर से ऐसे टू स्लैंडिंग लाइन। अभी इसको पत्ते गिरते हुए दिखाना है हमें पतझड़, तो छोटे छोटे गोल बना के ऐसे नीचे बिखेर दीजिए पत्तों को, तो ये बन जाता है पतझड़। दोनों भी साइड से करना है आपको। बन गया ये पतझड़। क्या बन गया? पतझड़। पत्ते गिर रहे हैं, बन गया पतझड़। आगे पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? श र ब त, शरबत। सबको शरबत पसंद है, मीठा मीठा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लास, सबको आता है ग्लास बनाना। कर्व कीजिए, दो लाइन को जॉइन कीजिए, दो स्लैंटिंग लाइन या स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं आप, और नीचे से एक स्लिपिंग लाइन। ग्लास में क्या है? शरबत। तो इसमें हम छोटे छोटे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा शरबत। और इसको करेंगे एक स्ट्रॉ, पीने के लिए हमको क्या चाहिए? स्ट्रॉ। तो ऐसे स्लैंटिंग लाइन में हम एक स्ट्रॉ बना देंगे, तो बन जाता है हमारा शरबत। उसके बाद आगे का चित्र शब्द पढ़ेंगे, कौन सा है? तो पहला अक्षर है प न घ ट, पनघट। पनघट मतलब कुआ। कैसे बनाते हैं कुआ? देखो, दो स्टैंडिंग लाइन दीजिए और नीचे से स्लिपिंग लाइन, और ऐसे ही दो तीन स्लिपिंग लाइन हमको बीच में देना है, एक दो तीन, ठीक है। उसके बाद बीच में से एक एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए, ये हो गया हमारा पनघट तैयार, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे कर्व कर दीजिए, ऊपर से दो स्टैंडिंग लाइन दीजिए। पानी निकालने के लिए कुएं में से हमें ऐसी एक चक्री होती है ऊपर, जिससे हम डोरी लटका के बकेट को नीचे डाल के पानी निकालते हैं, तो जो कुआ है इसको बोलते हैं हिंदी में पनघट। पनघट के बाद कौन सा शब्द लिखा है बच्चों? देखो, ये शब्द है क ट ह ल। कटहल एक सब्जी का नाम है, आपने खाया होगा कटहल, जिसको काटे रहते हैं ऊपर से लेकिन अंदर से बहुत नरम रहता है वो। मराठी में इसको फनस बोलते हैं और हिंदी में कटहल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जैक फ्रूट। देखो, इसको कर्व कीजिए पहले ऊपर से, और एक थोड़ा बड़ा कर्व कीजिए, और दूसरी साइड में भी कर्व कीजिए और बड़ा कर्व करके इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट दे दीजिए, तो बन जाता है हमारा कटहल। क्या बन गया बच्चों? ये कटहल। तो ठीक है, आज ये